देखिए, केजीएमए में कल एक टास्क फोर्स गठित कर दी गई है और इस टास्क फोर्स में जो भी केजीएमए के जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं और साथ ही साथ जो इसके ट्रीटमेंट में और इसकी जांच से जुड़े हुए विभाग हैं, उन सबको इस टास्क फोर्स में सम्मिलित कर लिया गया है। जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो सभी की सभी गाइडलाइंस के हिसाब से, जो नियमित रूप से लगातार बदलती भी रहती हैं, पूरा अपडेशन करते हुए उन सभी गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पर उसके बचाव और साथ ही साथ उसके उपचार की रणनीति बना ली गई है। और कल समस्त विभागों को जागरूक करने के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी विभाग की तरफ से एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कहना गलत होगा, पर केवल और केवल यहाँ के जो चिकित्सा संकाय के सदस्य हैं उनके लिए, उनको जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। केजीएमयू में एक इस समय वर्तमान में कनाडा से एक महिला आई हैं और उनका जो सैंपल लिया गया है वो पुष्ट हो चुका है, वह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। अच्छी बात बस इस समय यही है कि उनका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक चल रहा है। महिला को एक आइसोलेशन वार्ड में रख दिया गया है, उनके साथ जो उनके पति हैं उनको भी देखरेख के लिए अभी वर्तमान में एडमिट रखा गया है और उनका आज हम लोगों ने दोबारा से सैंपल जांच के लिए, रीटेस्टिंग के लिए भेज दिया है। उसके लिए हमने आपको बताया है कि जिस प्रकार से हमारी ये जो टास्क फोर्स है ये गठित कर दी गई है, यह अपनी इसकी लगातार मीटिंग चल रही है, तो उससे रिलेटेड जो भी निर्णय लिया जाएगा, टास्क फोर्स के जितने भी मेंबर्स उस प्रकार के निर्णय में सम्मिलित होंगे और अगली कार्यवाही उन्हीं निर्णयों के आधार पर निश्चित की जाए। जो आशंका के चलते आ रहे हैं उनका तो हम इस प्रकार से कि हर प्रकार के रोगी को तो हम जांच नहीं सुविधा प्रोवाइड करा पाएंगे, केवल केवल जो चिन्हित किए जा रहे हैं जिनमें संभावना लग रही है उन्हीं को ये जाँच की सुविधा प्रदान की जा रही है। लगातार चल भी रहे हैं और मैं भी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इसमें सबसे बढ़िया यही है कि आप अपने हाथ का, नाक और मुंह का ख्याल रखें। ख्याल का मतलब, जब भी कोई चीज़ खाएं तो उसमें पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लें और जिस किसी व्यक्ति को छींक की समस्या है या खांसी की समस्या है वो खांसते छींकते वक्त अपने मुँह पर कपड़े का इस्तेमाल करें और आप सभी ऐसे व्यक्ति से लगभग 1 मीटर की दूरी पर रहें।